प्रस्तुत है कहानी अर्धांगिनी, जिसे लिखा है शैलेश मटियानी जी ने, और इस कहानी को मैं अल्पना वर्मा अपने स्वर में प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ इसकी केवल ऑडियो फाइल प्रस्तुत की जा रही है। शैलेश मटियानी जी का मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी है और इनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना में, जो कि अल्मोड़ा में है, वहाँ हुआ था। इन्हें बहुत से सम्मान हासिल हुए। इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जो इन्हें सम्मान मिले। फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थागत सम्मान, शारदा सम्मान, साधना सम्मान, लोहिया सम्मान आदि। 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में इनका निधन हो गया था। कहानी आरंभ करते हैं। टिकट घर से आखिरी बस जा चुकने की सूचना 2 बार दी चुकने के बावजूद नैन सिंह के पांव अपनी ही जगह जमे रहे। सामान आंखों की पहुंच में सामने अहाते की दीवार पर रखा था। नजर पड़ते ही सामान भी जैसे यही पूछता मालूम देता था, कितनी देर है चल पड़ने में। नैन सिंह की उतावली और खींच को दीवार पर रखा पड़ा सामान भी जैसे ठीक नैन सिंह की ही तरह अनुभव कर रहा था। एकाएक उसमें एक हल्का सा कंपन हुए होने का भ्रम बार बार होता था, जबकि लोहे के ट्रंक, वीआईपी बैग और बिस्तर झोले में ऐसा कुछ भी न था कि हवा से प्रभावित होता। सारा बंटाधार गाड़ी ने किया था, नहीं तो दिया जलने के वक्त तक गांव के गोएठे में पांव होते। ट्रेन में ही अनुमान लगा लिया था कि हो सकता है गौ धूली में घर लौटती गाय बकरियों के साथ साथ ही खेत जंगल से वापस होते। घर के लोग भी दूर से देखते ही किए, नैन सिंह सूबेदार जैसे चले आ रहे हैं। खास तौर पर भीमुआ की माँ तो सिर्फ धुंधली सी आभा मात्र से पकड़ लेती कि कहीं रमुआ के बाबू तो नहीं। सरप्राइज विजिट मारने के चक्कर में ठीक ठाक तारीख भले ही नहीं लिखी, मगर महीना तो यही दिसंबर का लिख दिया था। तारीख ना लिखने का मतलब तो हुआ कि वह कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष सब देखे। कैसी माया है कि छुट्टियों पर जाने की कल्पना करने के समय से ही चित्त के भटकने का एक सिलसिला सा प्रारंभ हो जाता है। कैंट की दिनचर्या जैसे एक बवाल टालने की वस्तु हो जाती है। स्मृति में मुंह सामने के वर्तमान की जगह पिछली छुट्टियों में का व्यतीत सा छा जाता है। पहाड़ की घाटियों में कोहरे के छा जाने की तरह, जो खुद को धुंध के सिवा कुछ नहीं मगर जंगलों और पहाड़ों तक को अंतर्धान कर देता है। आखिर यही मोहग्रस्तता घर के आंगन में पहुंचने पहुंचने तक कहीं भीतर भीतर उड़ते पक्षियों की तरह साथ साथ चलती है। दिखाई कुछ भी सिर्फ सपनों में पड़ता है, लेकिन आवाज तो जैसे हर वक्त व्याप्त रहती है। क्या गजब की टनकपुर के समीप पहुंचते पहुंचते आंख लग गई थी, जबकि आंख खुलने के बाद फिर रात से पहले सोने की आदत नहीं। जाने कौन, साथ में यात्रा करती महिला कहीं बाथरूम की तरफ को निकली होगी। बिल्कुल भिमुआ की माँ के पांव की सी आवाज हुई थी। छुट्टियों में घर पर रहते हैं तब तक ध्यान जाता नहीं, लौट आते हैं तब याद आता है कि भैंसिया छाते में इंतजार करते, सिगरेट पीते, कोई फिल्मी गाना गा रहे होते। आसमान में या चंद्रमा होता था या सिर्फ तारे। रात के सन्नाटे में एक तरफ सॉलगार्ड का बहना कानों तक आ रहा था, दूसरी तरफ घर का काम निपटा कर आ रही सूबेदारनी की झांवरों की आवाज। आवाज ही क्यों, धीरे धीरे आकृति उपस्थित होने लगती है। धीरे धीरे तो बाबू बच्चों सभी की, मगर मुख्य रूप से उसी की, जो कि 2-3 वर्षों के अंतराल में छुट्टियों की तैयारी होते ही प्रकृति की तरह प्रकट होती जाती है। जिसके साथ छुट्टियों में बिताया गया समय कबूतरों की तरह कंधों पर बैठता, पंख फड़फड़ाता अनुभव होता है। मन में होता है कि यह ट्रेन सुसरी तो बार बार ऐसे अड़ियल घोड़ी की तरह रुक जाती है, यह क्या ले चलेगी, हम इसे उड़ा ले चलें। रेलगाड़ी बस से यात्रा करते भी सारा रास्ता पैदल पैदल ही नाप रहे होने किसी भांति घेरे रहती है, होने किसी भ्रांति घेरे रहती है। इतनी धीमे धीमे रेलगाड़ी चल रही है। गाड़ी रुकते ही देर तक गाड़ी के डिब्बे में पड़े रहने की जगह आगे पैदल चल पड़ने को मन होता है।
एक गाड़ी से नीचे तो अगला कदम सीधे घर के आंगन में रखने का मन होता है। घर पहुंच चुकने के बाद तो उतना ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन पहले यही कि सुबह के उजाले में क्या आलम रहता है और शाम के धुंधल के या रात के अंधेरे क्या उस स्थान का जहाँ की सूबेदारनी हुआ करती है। स्मृति के संसार में विचरण करते में जैसे ज्यादा रूप पकड़ती जाती है। स्वभाव भी क्या पाया है, अकेले ही सारी सृष्टि चलाती जान पड़ती है। सृष्टि है भी कितनी, उतनी जितनी हमसे जुड़ी रहे। पींग पींग की लंबी आवाज सुनाई पड़ी तो भ्रम हुआ कि कहीं कोई स्पेशल बस तो नहीं लग रही पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ की तरफ कोई स्पेशल बस तो नहीं जा रही, लेकिन यह तो ट्रक था। निराश हो नैन सिंह ने मुंह फेरा ही था कि पींग पींग हुई। घूम कर देखा तो फिर वही ट्रक था। जैसे ही रुख बदला फिर वही पींग पींग। अब ध्यान आया कि ठीक ड्राइवर वाली सीट की बगल में बाहर निकला कोई हाथ इधर आओ पुकार रहा है। नैन सिंह ने नहीं पहचाना, बनखरी वाली दीदी का हवाला दिया तो नाता जुड़ा कि अच्छा क्या नाम की जसौती प्रधान का मंझला खीमा है। हाँ सुना तो था कि इन लोगों की गाड़ियां चलती हैं। खीम सिंह का बोलना देवताओं के आकाशवाणी करने सा प्रतीत होता गया और साथ चलने का सिग्नल पाते ही नैन सिंह सूबेदार सामान ट्रक में रखवाने की युद्ध स्तर की तत्परता में हो गए। जैसे कि यह ट्रक ही एकमात्र और आखिरी साधन रह गया हो गांव पहुंचने का। अच्छा होता अंबाला से ही एक चिट्ठी बनखरी वाली दीदी को भी लिख दी होती कि फला तारीख के आसपास घर पहुंचने की उम्मीद है। घर वाले ने जागर भी खोल रखा है और हाट की कालिका ने कालिका में पूजा भी देनी हुई। तुम भी एक दो दिन को जरूर चली आना, बहनोई तो पाकिस्तान के साथ दूसरी लड़ाई के दिनों में मारे गए, पेंशन याफ्ता औरत हैं। भाई बहनों के साथ साथ कुछ कर्म क्षेत्र का रिश्ता भी बनता है। पिथौरागढ़ के ज्यादातर गांव की विधवाओं में तो फौज में भर्ती हुए लोगों की ही होंगी, नहीं तो पहाड़ के स्वच्छ हवा पानी में बड़ी उम्र तक जीते हैं लोग। ट्रक के स्टार्ट होते ही नैन सिंह को पंख लग गए हों। ट्रक का रूप कुछ ऐसा हो गया था जैसे कि नैन सिंह सूबेदार बैठे हैं तो वह भी चला चल रहा है पिथौरागढ़ को, नहीं तो कहाँ इस सांझ के वक्त टनकपुर से चंपावत तक की चढ़ाई चढ़ता फिरता। खीम सिंह ने पहले ही बता दिया था कि रात तो आज चंपावत में ही पड़ाव करना होगा, लेकिन सुबह 10 बजे तक पिथौरागढ़ के सामने। यहाँ टनकपुर में ही ठहर जाने का मतलब होता कल संध्या तक पहुंचना। हालांकि घर तो जो आनंद ठीक गोधूली की बेला यानी शाम के समय पहुंचने में होता है, दोपहर में कहाँ। शाम का धुंधल का आपको तो अपने में आवृत करता रखता हुआ सा पहुंचता है, लेकिन जहां घर पहुंचना हुआ कि उसे कौन याद रखता है। देखिए तो काल भी अजब वस्तु है, सब जगह और सब समय काल भी एक सा नहीं। संध्या का समय जो मतलब पहाड़ में रखता है, खास तौर पर किसी गांव में, वह मैदानी शहरों में कहाँ। पिछले वर्ष ठीक संध्या झूलते में पहुंचना हुआ और संयोग से घर के सारे लोगों से पहले रुकमा सूबेदारनी उर्फ भीमुचा की अम्मा ही सामने पड़ गईं। तो क्या हुआ सूबेदारनी का हाल और क्या खुद सूबेदार साहब का, क्या गजब के 15 साल पहले चैत के महीने शादी हुई थी और बन की हिरनी का सा चौंकना अभी तक नहीं गया। भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र पार करते करते खीम सिंह के साथ आशल कुशल और नाना दीगर संवाद करते तथा कैप्स्टन की सिगरेट की फूंक उड़ाते भी नैन सिंह सूबेदार व्यतीत के धुंधलके में डूबते ही चले गए। खीम सिंह ट्रक के साथ साथ खुद को भी ड्राइव करता जान पड़ता था। उसकी सारी इंद्रियां जैसे पूरी तरह ट्रक के हवाले हो गई थी। और देखिए तो यह टनकपुर से पिथौरागढ़ की तरफ को जाते या उस तरफ से आते हुए रास्ते पर गाड़ी चलाना भी किसी करिश्मे से कम कहाँ है। पलक झपकते में ऐसे ऐसे मोड़ हैं कि ड्राइवर का ध्यान चूकते ही बसेरा नीचे घाटी में ही मिलता है। पहाड़ की सड़कें तो आप जानते ही हैं कितनी घुमावदार होती हैं। ट्रक रफ्तार से ज्यादा शोर उत्पन्न कर रहा था। आखिर 2-3 किलोमीटर
पार करते करते में ही पहले ट्रेन में रात भर ठीक से ना सो पाने की भूमिका बांधी और फिर आंखें बंद कर ली। इसने नैना सूबेदार ने तो नैना सूबेदार ने ऐसा किया तो, लेकिन उन्हें नींद कहाँ आती, नींद तो आई नहीं। आंख बंद करते में सड़क ट्रक के साथ ही मुड़ती जान पड़ती थी। ट्रक सड़क के साथ जाता हुआ नीचे अब अतल लगती सी मीलों गहरी घाटियां हैं। खीम सिंह का या खुद ट्रक का ध्यान जरा सा भी चूका नहीं कि सूबेदार नैन सिंह ने हड़बड़ाकर आंखों को खोल दिया तो सामने एक एक परिदृश्य आंखें क्यों बंद कर ले रहे हो, पूछता सा दिखाई पड़ा। अर्थात इतने सुंदर वहां के दृश्य हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के तो दृश्य बहुत सुंदर होते हैं, तो जैसे कि एक एक परिदृश्य उससे पूछ रहा हो आंखें क्यों बंद कर ले रहे हो। सचमुच में नींद हो तो बात और है, नहीं तो टनकपुर पिथौरागढ़ को अधर में टांगते सी सड़क पर कहाँ इतनी निश्चिंतता थी कि आंखें बंद किए रुकमा सूबेदारनी की एक एक छवि को याद करते रहो। पिछली छुट्टियों में रामी यानी रमुआ सिर्फ 1.5 साल का था। साला उल्लू का बच्चा बिल्कुल बंदर के डिगरे की तरह माँ की छाती से चिपका रहता था। इस बार की छुट्टियों के लिए तो सूबेदार ने तब एक ही कोशिश रखी कि दो लड़के मोर देन सफिशिएंट माने जाने चाहिए। जरूरत अब सिर्फ एक कन्या राशि की है। कुछ कहिए साहब जो आनंद कन्या के लालन पालन में है, जैसे वह आईने की तरह आपको अपने में छलकाती सी बोलती बतियाती है, वह बात ससुरे लड़कों में कहाँ। इसलिए पिछली बार प्राणपण से लड़की की कोशिश की थी और उसी कोशिश में थी यह प्रार्थना कि हे मैया हार्ट की कालिका आगे क्या कहूँ, तू तो अंतर्यामिनी है। चलते चलाते ही यह भी याद आ गया नैना नैन सिंह सूबेदार को कि अब की बार घर से किसी प्रकार की कोई खबर चिट्ठी में नहीं आई। लगता है मैया पूजने के बाद ही प्रसाद देगी, वह भी तो आदमी के सहारे है, जैसे जिसकी मान्यता हो वैसी समरूप वो भी ठहरी। निराशा के सागर में आशा के जहाज की तरह ट्रक लेकर उदित होने वाले खीम सिंह के प्रति एहसान की भावना स्वाभाविक ही नहीं जरूरी भी थी, क्योंकि मिलिट्री की नौकरी से घर लौटते आदमी की छवि ही कुछ और होती है लोगों में। फिर खीम सिंह से तो दीदी के निमित्त रिश्ता भी है। लगभग हर 10-15 किलोमीटर के फासले पर ट्रक को विश्राम देते हुए खीम सिंह की चाय पानी, गुटुक रायते को पूछना, खुद की जिम्मेदारी ही लगती रही सूबेदार को। बीच बीच में सीटी बजाने और गाने की कोशिश भी इसी सावधानी में रही कि खीम सिंह को पता चले ये सब तो बहुत मामूली बातें हैं। बस का किराया बच भी गया है तो घर में बच्चों के हाथ रखने को तो कुछ रुपए जबरदस्ती भी देने होंगे, टिकट के पैसों से दूने ही बैठेंगे, क्योंकि अभी तो चंपावत में पड़ाव होना है और वहां रात का डिनर भी सूबेदार के ही जिम्मे पड़ेगा। मगर खुशी इस बात की है कि टनकपुर अगरचे कहीं होटल में रहना पड़ गया होता तो जेब जो कटती सो कटती यह आधा पहाड़ कहाँ पार हुआ होता। अब तो जहाँ आती जाती खेतों में काम करती औरतें दिख जा रही हैं, सभी में उसे रुकमा सूबेदारनी की छाया गोचर होती है। अभी अभी भूमिया धार की चढ़ाई पार करते में यूं ऊपर के धुरपाट में न्योली गाती कुछ अपने को हृदय का हाल सुनाती जान पड़ रही थी, जैसे कहती हो कि पलटन से लौट रहे हो हमारे लिए क्या लाए हो। तुम तो पलटन से लौट रहे हो हमारे लिए क्या लाए हो। मन तो हुआ कुछ देर को ट्रक रुकवा कर या तो उन औरतों के पास तक खुद चल दिया जाए या फिर उन्हें ही संकेत किया जाए कि यहां तक आकर न्योली टेप करा जाए। फिलिप्स का ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर यानी 2 इन 1, इसी उद्देश्य से तो लाए हैं। लेकिन सर्वप्रथम बाबू से कुछ जागर गवाना है, तब खुद सूबेदारनी की न्योली टेप करनी है। माँ तो परम धाम में हुई, कुछ ही साल पहले तक दोनों सास बहू मिल के न्योली गाती थी और ज्यादा रंग में हुई तो एक दूसरे की कौली भर लेती थी। स्त्री तत्व भी क्या चीज हुआ, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त ठहरा, कोई ओर छोड़ थोड़ी हुआ इनकी ममता का।
अपरंपार रचना हुई। नाना रूप नाना खेल, देखिए तो क्या कर सकता है। हजार बंदिशों का मारा बंदा इच्छा कर लेता है, सब कर लेता है। सुविधानी से मिलती जुलती और खुद के हृदय का हाल सुनाती सी औरतों का ओझल होना देखते चले जा रहे हैं नैन सिंह सुबेदार भी। सवारी का साधन भी एक निमित्त मात्र होता है हुआ सवारी का साधन भी एक निमित्त मात्र हुआ। चलने वाला तो हर हाल में आदमी ही ठहरा। आदमी चलता रहे तो गाड़ी मोटर सड़क खेत खलिहान पेड़ जंगल और पशु पक्षी भी साथ चलते रहते हैं। आदमी रुका तहां सभी रुक गए। आदमी को दिखते तक में अपरंपार सृष्टि का सभी कुछ प्राणवान और विद्यमान हुआ। आदमी से ओझल होते ही सब कुछ शून्य हो जाने वाला ठहरा। क्या है कि ध्यान धरता है आदमी, ध्यान करता है आदमी, ध्यान से ही सूबेदारनी ठहरी। औरतें लगभग समान हुई और लगभग सभी माता बहन बेटी इत्यादि, लेकिन किसी की कोई बात ध्यान में रह गई, किसी की कोई। माँ का स्वयं के परम धाम सिधारते समय का नैनुआ रे कहते हुए पूरी आकृति पर हाथ फिराना ध्यान में रह गया है तो रुकमा सूबेदारनी को देखते ही हिरनी का सा चौंकना। फोटो कैमरामैन हो जाने वाली ठहरी है औरत आपके एक एक नैन नक्श को पकड़ती प्रकट करती ऐसा ध्यान खींच लिए कि 15 सालों की गृहस्थी में भी आंखों की आप ज्यों की त्यों हुई। और बाकी तो शरीर में जो है सो है, मगर आंखें क्या चीज हुई कि प्राण तत्व तो यही झलमल करता हुआ ठहरा। फिर कमला सूबेदारनी का तो हाल क्या हुआ कि खेम सिंह स्टेयरिंग व्हील को हाथों से घुमा रहा है, वैसे आपको सूबेदारनी सिर्फ आंखों से घुमा सकने वाली ठहरी। यह बात दूसरी हुई कि अनेक मामलों में वो रिजर्व फॉरेस्ट ही ठहरी। सूबेदार का नैन सिंह सूबेदार का अनायास और अचानक हंस पड़ना जैसे जंगल की वनस्पतियों और पक्षियों तक में व्याप्त हो गया। हिम सिंह का ध्यान भी चला गया इस अचानक के हंस पड़ने पर, तो उसने भी यही कहा कि फौज का आदमी तो बस इन्हीं 4 दिनों की छुट्टियों में जी भर हंस बोल और मौज मजाक कर लेता है। दाजियो दाजियो मीन्स बड़े भाई, कुछ जानदार वस्तु तो आप जरूर साथ लाए होंगे। यहाँ तो पहाड़ में ससुरी आजकल डाबर की गौ माता का दूध मुँह चल रहा है। मृत संजीवनी सुरा 3X रम ब्लैक नाइट पीटर स्कॉट विस्की और ईगल ब्रांडी जैसी वस्तुएं तो औकात से बिल्कुल बाहर पहुंचा दी हैं सरकार ने। चंपावत आते ही खीम सिंह ने ट्रक को पहचान के ढाबे के किनारे खड़ा कर दिया, कुछ ऐसे ही मनोभाव में जैसे गाय भैंस थान पर बांध रहे हों। उंगलियों की कैंची फंसाकर लंबी जुमाई लेते हुए जय हो कालिका मैया की आधा सफर तो सकुशल कट गया, कहा उसने और दृष्टि सूबेदार की तरफ स्थिर कर दी। अर्थ तो सूबेदार रास्ता चलते ही समझ गए थे, लेकिन उन्होंने मन भी बना लिया था कि जाता ही देखो तो दिन दरिया बना लो। हंसते हुए ही इंगित कर दिया कि मामला ठीक ठाक है। खीम सिंह का तो रोज का बासा हुआ, जितनी देर में खीम सिंह ढाबे की तरफ निकला सूबेदार ने अपनी वीआईपी अटैची खोलकर उसमें हैंडलूम की कोरी धोती में लपेटी हुई कोटे की 3X बोतलों में से एक बाहर निकाली। कुछ दुविधा में जरूर हुए कि कोई खाली अद्धा पड़ा होता तो 50-50 कर लेते। ड्राइवरों क्लीनरों की नजरों से तो बाकी छुड़ाना कठिन हो जाता है। जब तक किसी तरह की व्यवस्था करते हिम सिंह ने सिर्फ कटी प्याज कलेजी गुर्दा दिल फेफड़े के साथ ही आलू भी मिलाए हुए भुट्टे की भाप उठती प्लेट लेकर वहां पर हिम सिंह जो है वो कटी प्याज कलेजी गुर्दा दिल फेफड़े के साथ ही आलू मिलाए भुटवे की भाप उठती प्लेट लेकर उपस्थित हो गए और कहा कि पानी का जग लाना रह गया, तो इतने में आधी बोतल थर्मस में कर लेने का अवसर मिल गया। जो रम की बोतल थी नैन सिंह ने आधी कर ली, थर्मस में डाल दिया थी। और कहते हैं चलो अब कहने को हो गया कि रास्ते में ले चुके, बोतल में बाकी जो बच रही सो ही आज की रात के नाम है। गनीमत है कि क्लीनर हरिराम कुछ ही दूर पर के अपने गांव चला गया और खेम सिंह ने भी मर भुक्कापन नहीं दिखाया। सच कहिए तो आदमी के बारे में अपने हिसाब या अपनी तरफ से आखिरी बात भूल कर तय ना करे कोई।
बहुत रंगारंग प्राणी हुआ करता है। इसकी आंखों में पड़ रहे हैं आप कुछ और ही, मगर दिल में न जाने क्या है। एक एक पैसे को सांसों की तरह इकट्ठा करके चलना होता है छुट्टियों पर, क्योंकि बंधन हजार हैं। ऐसे में पैसा शरीर में से बोटी की तरह निकलता जान पड़ता है, क्योंकि गांव घर अड़ोस पड़ोस में ही अगर ना हुआ कि नैन सिंह सूबेदार का छुट्टियों पर आना क्या होता है, तो नाक कहाँ रही। और अब इसे भी तो नाक रखना ही कहेंगे कि भुटवा और पराठे, शिकार भात, डिनर का सारा खर्च खीम सिंह ने अपने जिम्मे ले लिया। कि दाजियू चंपावत से अपना होमलैंड शुरू हो जाता है। आज तो आप हमारे गेस्ट हो, खाने का बंदोबस्त हमारी तरफ से, पीने का आपकी, ये खीम सिंह ने कहा। जबकि नैन सिंह पहले सोच रहे थे कि उन्हें ही इंतजाम करना पड़ेगा खाने का, क्योंकि वो तो उनके साथ लिफ्ट में आए हैं ट्रक में। लेकिन खीम सिंह तो कह रहे हैं खाना हमारी तरफ से, पीना आपकी तरफ से, और फिर कहते हैं कि मरना हमारा, जीना आपका, सीना हमारा, चाकू आपका। कोई चीज किसी वक्त में हो जाती है और उसे गॉड गिफ्ट मान लेना। मनुआ, आप हमको कड़क फौजी ड्रेस में बस अड्डे पर खड़े दिख गए। यह भी भगवान की मर्जी का खेल ठहरा ठहरा कि नहीं ठहरा? अगर नहीं तो कौन जानता भेंट भी होती या नहीं। आप भर्ती हो जा फौज में, जिंदगी है मौज में, गाते बजाते छुट्टी काट कर चल भी देते। प्रेम है कि नफरत है, जहां शराब कुछ भीतर तक उतरी तहां आदमी की असलियत बोलने लगती है कि वह दरअसल है क्या। इस वक्त कम से कम खीमा साथ है तो कुछ घर का सा वातावरण है। कहीं टनकपुर में ही अटक गए होते तो फिर वही आधे अंग का खाना पीना और सोना। कैंप छोड़ा था तब से ही लगातार यही हुआ कि संपूर्णता नहीं है, प्रत्येक क्षण किसी की स्मृति है और बस थोड़े से फासले पर साथ साथ चल रही है। पर मायामयी छाया को शरीर धारण करने में भी बहुत समय लगना है। कल जाकर गांव पहुंचेंगे तभी यह व्याकुलता थमेगी। जब तक सुदर्शन चक्र हाथ में है तब तक सोचा है, इसकी छोटी मुंह बड़ी बात मान लेना। दाजियो, कौन हस्बैंड ऑफ मदर झूठ बोल रहा है? खीम सिंह ड्राइवर का नाम लेकर इंक्वायरी कर सकता है। हर शख्स जो चलना है टनकपुर 100 की 10 लाइन में, जहां की जरा सा बेलाइन हुए आप तो श्रीमान जी समझिए कि मुरब्बा तैयार है। कहते हुए खीम सिंह ने भुटवे की प्लेट उठाकर उसमें लगा तेल मसाला चाटना शुरू कर दिया, तो मध्यम कोटि के सुरूर में सूबेदार का ध्यान गया सीधे इस बात पर कि रास्ते में न जाने कितनी बार तो सचमुच यही जस जस हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो आइडेंटिटी कार्ड साथ में रहता है, शिनाख्त जरूर पहुंच सकती है। लेकिन आदमी की जगह सिर्फ उसकी शिनाख्त का पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बात की तमीज तो ससुरे इस सृष्टि के सृजनहार तक को नहीं रही। एक खूबी इस चीज में है, एकदम लाइन के पार नहीं निकल जाए आदमी तो पुल पर का चलना है। नीचे आपके मंथर गति की नदी बह रही है और आसपास के पहाड़ ससुर ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि घरवाली मायके जाती हो। कल्पना अगर किसी चिड़िया का नाम है तो ठीक ऐसे ही मौके पर पंख खोलती है। जितनी बार खतरनाक मोड़ पड़ते थे उतनी ही बार सूबेदारनी जंगल में हिरनी जैसी व्याकुल होती जान पड़ती थी, क्योंकि ध्यान में तो बैठी रहती हैं वही, और भीतर ही भीतर दोनों हाथ बार बार इसी प्रार्थना में उठ जा रहे थे कि हे मैया हाट की कालिका। औरत है कि देवी है, माया मोह और भय भीति का ही सहारा है। अटैची में चमचमाता लाल साटन का 1.5 मीटर कपड़ा रखा था और 1.25 इंच की सुपर फाइन गोट और सितारे। चोला मैया का सूबेदारनी खुद अपने हाथों तैयार करेगी। जब तक मैया का ध्यान है तब तक रक्षा जरूर है, नहीं तो फौज की नौकरी में कौन जानता है कि सरकार ने कब दाना पानी छुड़ा देना है। कैवलरी की जिंदगानी है, जीन लगाम ही अंगवस्त्र है। पिछले साल अचानक ही कैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया और कितने वीर जवान राष्ट्र को समर्पित हो गए। अग्नि को भी समर्पण चाहिए, राष्ट्र की ज्योति जली रहे। अब नैना सूबेदार का मन हो रहा था कि एक प्लेट भुटवा और मंगवा लें, फिर चाहे थर्मस तक भी नौबत क्यों ना आ पहुंचे। जाने को तो यह जिंदगी ही चले जाने के लिए है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे जरूर आते हैं जो चांदी के सिक्कों की तरह बोलते मालूम पड़ते हैं कि हम साथ रहेंगे।
अब जैसे कि रुकमा सुबेदारनी का ही ध्यान है, यह मात्र एका जन्म तक ही साथ देने वाली वस्तु तो नहीं है। पहले कैसे धोती के पल्ले में नाक दबा लेती थी सूबेदारनी साहिबा, पिछली बार की छुट्टियों में निमोनिया की पकड़ में थी तो 2 चम्मच ब्रांडी पिलाना मछली का मुंह खोलकर पानी का घूंट डालना हो गया था। बाद में खुद कहने लगी कि खेत जंगल के कामों से टूटता बदन कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि भुगतान करने का जिम्मा खीम सिंह ने लिया, इसलिए संकोच था कि यह जोर डालना हो जाएगा क्या कि दोबारा उसको भुटवा खाने की इच्छा थी। लेकिन ऐसा कहना, क्योंकि वो खीम सिंह भुगतान करेगा, इसलिए उसने कहा नहीं। मगर अपने भीतर की भाषा खीम सिंह में फूट पड़ी। खीम सिंह ने स्वयं ही कह दिया, सूबेदार दाजियो, भुटवा बहुत जोरदार बना ठहरा, एक प्लेट और लाता हूँ। आखिर आखिर थर्मस खंगाल कर पानी लेना पड़ा, लेकिन ना खीम सिंह आपे से बाहर हुआ और ना सूबेदार। धीरे धीरे जाने कहाँ कहाँ की फसल पराल लगाते में रिमझिम रिमझिम जज्ब होती चली गई। कैंप की कैंटीन से बाहर निकलने की सी निश्चिंतता में दोनों अब भोजन प्राप्त करने ढाबे की बेंच तक पहुंचे तो देखा ढाबे की मालकिन ही पराठे सेक रही है। और इतना तो खेम सिंह ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ के खाने में रस है। औरत भी क्या चीज है साहब, जो स्वाद सिल पर पिसे मसाले का सो पुड़िया में कहा। और पराठे कोई मर्द सेक रहा हो तो घी चाहे जितना लगा ले, मगर यह भुवन मोहिनी आवाज और हंसी कहाँ से लाएगा। इधर पराठा बेलती हैं, सेकती हैं और उधर मजाक भी करती जाती हैं कि सूबेदारनी बहुत याद आ रही होंगी। कहाँ कहाँ तक फैला दिया इसे भी फैलाने वाले ने, जहां देखो वैसी ही आभा है। जहां आप जल रहे जाने कब शक्कर हो गई, बोलती है और अचानक ही हंस देती है। तो दुकानदारी करती कहाँ दिखाई देती है, कैसे पलक झपकते में दांव लगा दिया कि आदमी तो दूर देश और बरसों का लौटा ही चीज होता है। प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई में भी एक आँच है, वातावरण में घर की सी ऊष्मा मालूम देने लगती है। हाँ हाँ कहने के सिवा और क्या कहना हुआ। 3 साल के बाद लौटने में तो अपने इलाके का इस पेड़ से उस पेड़ की तरफ कूदता फांदा फांदता हुआ बंदर भी अपना सा लगता है। यह तो अन्नपूर्णा किसी मूरत समान है। होने को तो कुछ सुरूर 3X का भी जरूर था, मगर जब तक भीतर की धारा से संगम ना हो, नशा चाहे जितना भी हो, यह दिव्य मनस्ता कहाँ। चूल्हे की आंच में वह किसी वन देवी की प्रतिमा किसी छवि में है। सोने का गुलबंद झिलमिला रहा है, पराठा पातते में हाथों की चूड़ियां बज रही हैं। बीच बीच में माथे पर के बाल हटाने को बाई कोहनी हवा में उठाती है तो रुकमा सूबेदारनी की नकल उतारती सी जान पड़ती है। आकांक्षा हो रही है कि दो के सिवा और कोई उपस्थित ना हो। कोई कोई समय जाने कैसी एक उतावली सी भर देता है भीतर कि कहीं यह बीत ना जाए। नैन सिंह सूबेदार को एक एक ग्रास पहले पर्वत फिर राई होता गया, आंखों की दुनिया अलग होती गई, हाथ मुंह उधर की अलग। खीम सिंह को तो शायद यह भ्रम हुआ हो कि 3X ने भूख का मुंह खोल दिया है, लेकिन सूबेदार को जान पड़ा कि यह अकेले का खाना नहीं। बस यही फिर सूबेदारनी का ही सामने बैठा होता सा प्रतीत हुआ, नहीं कि डकार भी आ गई। ग्लास भर पानी एक ही लय में गटकते सूबेदार हाथ धोने के लिए नल की तरफ बढ़ गए। कुछ क्षण होते हैं विस्तार पकड़ते जाते हैं और कुछ विस्तार धीरे धीरे क्षणिक होते जाते हैं। रास्ते का एक दिन कटना पर्वत, लेकिन घर पर महीने भर की छुट्टियां कपूर हो जाती हैं। पक्षियों का सा उड़ता समय कान में आवाज देता रहता है, लो आज का दिन भी बीता तुम्हारा, अब बाकी कितने दिन हैं। बाबू ने थोड़ा आखर जागर गा तो दिया, अब शगुन क्यों करते हो कहने, और सूबेदारनी बहू की गाय न्योलिया न्योली के कुछ बंद सुन लेने पर, लेकिन आखिर तक उनका यह अफसोस गया नहीं कि जितनी रकम इस फोटो कैमरे और ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर में लगा दिए सूबेदार ने, उतने में घर के कितने जरूरी जरूरी काम निपट जाते। अलबत्ता जर्सी सूटों और 3X की 3 बोतलों से उनकी आत्मा जरूर प्रसन्न हो गई थी,
कि यार पुत्र, जाड़े की मार से बचाने को आ गया तू। चार सेल वाला टॉर्च भी उन्हें बहुत नहीं बहुत जमा चार सेल वाला टॉर्च भी उन्हें बहुत जमा अच्छा लगा। और 10-5 दिन बीतते न बीतते खुद ही इस मजेदार मूड में आ गए कि यार पुत्र, पैसा तो साला हाथ का मैल ठहरा, पुरुष की शोभा ठहरी, जिंदा दिली और रंगनी। ले आज तू भी क्या याद करेगा, चार आखर भगवती जागरण पूरी श्रद्धा से कर देता हूँ। क्या करता हूँ कहता है तू, रिकॉर्ड ऑन करूँ? तो फिर कर ऑन। हरि भगवान जी, प्रथम ध्यान में किसका धरता हूँ? तो ध्यान धरता हूँ उस चौमुखी तिरंची विधाता का, मैया महाकाली, जिसने की है अपूर्व सृष्टि रची, और आकाश की जगह पर आकाश, धरती की जगह धरती, और पहाड़ की जगह पहाड़, नदी की जगह नदी, अग्नि की जगह अग्नि, और क्या नाम माता गौरी शंकरी छप्पर धारिणी की, पानी की जगह पानी उत्पन्न किया, और की फूल को पत्तों, दूध को कटोरे के आधार पर रखा, हाड़ मांस के पुतले में रखी प्राणों को संजीवनी। आहारी मैया सिंहवानी, कैसी अपरंपार हुई सृष्टि की, सारे ब्रह्मांड में एक महाशब्द व्याप्त हो गया। मनुष्य तो मनुष्य हुआ, पताल में का पक्षी भी, मैं यहाँ तू कहाँ गाता दिखाई दिया। कहीं ऊंचा हिमालय रखा, कहीं मैला समुंदर, कहीं धूप रखी कहीं छाया, कहीं मोहिनी रखी कहीं माया, विरंची के बाने सृष्टि रची, विष्णु के रूप पोषण किया और शिव के रूप संहार। दूसरा स्मरण तेरा है माता भगवती, कि तूने भी जब गौरी पर्वती से माया का रूप महाभद्रा महाकाली रखा, तभी स्थापना हुई तेरी भी हाट का कालिका, घाट की जोगिनी के रूप में। घर को धरणी तू हुई, वन को हिरणी, पूत को माता हुई, पिता को कन्या कुमारी। बाबू देवी जागरण देवी के जागरण गीत गाए जा रहे थे, जाने कब गिलास में बची रम की एक ही घूंट में चढ़ाकर खूंटी पर से हुड़का भी उतार लिया उन्होंने, और दुई तुकी दुई 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 का लहरा लगाते पूरी तरह लय में हो गए, उनके माथे पर की चुटिया तक रंग में आ गए। पूरी पट्टी में कौन है उनके मुकाबले में भगवती महाकाली का जागरण रचाने वाला? लेकिन नैना सूबेदार का ध्यान तो कन्या कन्या सुनते ही इस तरफ चला गया, तो फिर लौटना मुश्किल हो गया कि आज तो 19वां दिवस है। उन्होंने तो घर पहुंचने के पहले ही दिन मजाक मजाक में सूबेदारनी के पांव ही पकड़ लिए थे कि भगवती कन्या ही देना। हाँ, तरंग तो कुछ तब भी जरूर रही होगी, लेकिन दृश्य भी उत्पन्न तभी होता है जब भीतर कोलाहल हो। जागर में भी तो यही बताया बाबू ने कि प्रथम तो उदित हुआ शब्द, तब कहीं जाके सूरज। इसी बात पर तो खीमा के साथ ट्रक में की यात्रा की तरह फिर अचानक हंसी फूट पड़ी, और बाबू ने समझा कि कुछ ज्यादा चढ़ गई होगी। एक दो बंद और गाकर हुड़के की पाक को गले से उतार कर हुड़के में ही लपेट दिया। कल का दिन बीच है ना नैन, परसों शनिवार, 3 दिन का जागर, मैया हाट की कालिका के दरबार में लगना ही है। जा सो जा, बहु रास्ता देखती होगी। मैया के दरबार में देखना कैसा जागर लगाता हूँ, कैसा जागरण करता हूँ। जागर में जागरण, आखिर आखिरी जागर होगा यह। मुड़वा जी बदमाश हैं, बच्चे रास्ता देखते होंगे, नहीं कहते। क्या कर रहे थे उस दिन की जीवन की चक्की का एक पार्ट जाता रहा एक रह गया। माँ को परम धाम गए, ठीक ठीक कितने साल बीते होंगे। ज्यों ज्यों छुट्टियां पूछ रहती जाती हैं, बीता और विस्तार पाता चला जाता है। चंपावत में रात कैसे बीती थी? भीतर भीतर कोई यहां तक जोर बांधने लगा था कि राइफल की नोक पर सामने बिठाए रखो इस औरत को, और बताओ इसे कि रोम रोम में जो व्याकुलता जगाए चली गई हो, इसका देनदार कौन है? हवा की जगह आंधी का रूप रखती खुद गायब हुई जा रही हो, और नैन सिंह सूबेदार पेड़ की डालों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक कांपता पड़ा रह गया है रात के इस अनंत लगते हुए से सन्नाटे में। रूप भी शरीर से है, इसे तुम क्या नैना सूबेदार से कुछ कम जानती होगी भगवती? आंखों से लाचार खींचता है, बलवान तो हाथों से काम लेता है।
बस इसी बलवान वाली बात पर सूबेदार को खीम सिंह के साथ उठ जाना पड़ा कि कहीं जम्बू वाले यह गत भई तू क्या बोलेगा कागा वाली बात ना हो जाए। बद अच्छा बदनामी बुरी। तब का व्यतीत अब तक साथ है। अड्डे तक सचमुच 10 बजे से भी कुछ पहले ही पहुंचा दिया था खीम सिंह ने। सुबह सुबह चंपावत से लोहा घाट तक कितनी गहरी और गजिन धुंध थी। ट्रक समेत कहीं अदृश्य लोक में प्रवेश करते होने की भी अनुमति होती थी और भय भी। सारा ध्यान इसी बात पर टंगा रहता, क्या सचमुच इसी जन्म में फिर रुकमा सूबेदारनी होंगी और उनके साथ का तालाब में की मछली का सा एक कोने से उस कोने तक उजाड़ना। घर पहुंचने के बाद थोड़ा एकांत पाते ही सूबेदारनी एकाएक दोनों पांव जकड़ लेंगी और सोते से फूट पड़ेंगे धरती में। जन्म जन्मांतर की इसी व्याकुलता में उनकी पीठ तक हिलती होगी। तब दोनों हाथ कांखों में डाले ऊपर उठाएंगे सूबेदार और सांत्वना देने में एकाकार हो जाएंगे। तब ट्रक की यात्रा में ही कितनी बार हुआ कि परमात्मा तो अंतर्यामी है, उससे क्या छिपा है, मगर बगल में ड्राइवर की सीट पर बैठा खीम सिंह भी ना देख रहा हो। जब कोई जागता है हर क्षण आदमी की स्मृतियों में, पशु पक्षी भी भीतर तक झांकते हुए गोचर होते हैं। सुबेदार ने साहिबा से क्या कहा था उस पहली रात ही कि एक आंख से हम देख रहे हैं, एक से तुम। वह भगवती पराठा सेकती जाती है और मंजीरा सा बजाती है कि एक पराठा तो और लो सुबेदार साहब, और हमें आप ही सेकते खिलाते नजर आती हो। ये तो आपने अब बताया कि कल रात का व्रत रखा था, देखिए कि हम बिना खबर हुए ही दो जनों का भोजन कर गए। क्या रखा है साले किसी आदमी की जिंदगी में, अगर कहीं पांव से लेकर सिर से ऊपर तक का गहरे तालाब जैसा प्रेम नहीं रखा है। कहां तो एक मुक्ता का सा आलम था प्रारंभ में, फिर शब्द फूटा एकाएक तो सचमुच एक सृष्टि होती चली गई। जीभ में लपटा तागे का गुच्छा हट गया और वाणी झरना होती गई। जाने कब कहां रात बीती। सूबेदारनी साहिबा ने नहीं टोका एक बार भी, सिर्फ इतना कहती उठ खड़ी हुई कि विहान तारा निकल आया है। सूबेदार को भी यही ध्यान हुआ, यही हुआ कि माता भगवती तू नहीं तो और कौन है, कौन जागता है दिन रात हमारे लिए, कौन देता है इतना ध्यान, किसे पड़ी है हमारी इतनी चिंता। वह गांव पहुंचने की पहली ही रात थी, किंतु डोंगरे बालामृत वाले कैलेंडर में माँ हाट की कालिका के पांव के नीचे आ पड़े शिव शंकर की सी जो दशा अनुभव हुई थी वह अब तक साथ है। फर्क इतना कि शंकर अनजाने आ गए पांव के नीचे, नैना सूबेदार अंतः प्रेरणा से। सूबेदार ने विहान तारा निकल आया कहती हुई खड़ी उठ हो गई थी कि बिस्तर से पांव रखते तक में नैना सूबेदारनी ने सब सुन लिया। छुट्टियों के लिए अर्जी लगाने के दिन से लेकर यहां पहुंचने तक के दिन की सारी व्याकुलता पर कैसे अपने ही रक्त में से बार बार अवतरित होती, रोम रोम में छा जाती रही सूबेदारनी। बाजार निकलते सो कैसे साक्षात उपस्थित होती से खुद ही ध्यान दिलाती रहती पग पग पर कि उनके लिए क्या क्या वस्तुएं लेनी है और क्या बच्चों और बाबू के लिए, बाबूजी के लिए। इनका जाने कब कहाँ से अचानक छाया की तरह का प्रकट होना और सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेना। बस गांव पहुंचकर ही थमा है। पांव छूते ही मिट्टी के घड़े की तरह फूट पड़ना और सारा जल सूबेदार पर उड़ेल देना, किया था सूबेदारनी ने। तब कहीं खुद के पूर्णांग हुए होने की सी तृप्ति हुई थी। कल और भी क्या हुआ था, उधर बाबू देवी जागरण में है और इधर सूबेदारनी के साथ का एक एक दिन बाइस्कोप के चित्रों की तरह आंखों के सामने हुआ जा रहा है कि कौन सा सूबेदारनी के साथ कितना बीता और कितना खेतों में, कितना जंगल, कितना नदी बावड़ी में। कितना एक बगल सूबेदारनी है, दूसरी बगल भीमुआ या रमुआ। सूबेदार कह रहे हैं भीमुआ की अम्मा, सूबेदारनी रमुआ के बाबू, और यह है कि इजा की जगह अम्मा क्यों कहने लगे हो। सूबेदार एकाएक अपनी फौजी अंग्रेजी ठोक दे रहे हैं। एवरी डे एंड एवरी नाइट माई डियर सूबेदारनी यू वॉज ऑन माई ड्रीम। और सूबेदारनी पॉलिएस्टर की नई साड़ी का छोर मुंह में दबा ले रही है। आग लगे तुम्हारी इस लाल पोकली, अब बानरों
किसी बानरों की जैसी बोली को। अंग्रेजी का आ नहीं जानती है, लेकिन अंग्रेजी का रंग गुलाबी होता है, इतना उन्हें पता है। सूबेदार समझा देते हैं कि इतना तो माय डियर बिल्कुल करेक्ट पकड़ लिया आपने कि लाल पोकिया अंग्रेजी की लैंग्वेज है। रातों को काफी ठंड है और छोटे रमुआ ने सोए सोए ही लघु शंका निपटा दी है। तो सूबेदारनी मजाक कर रही है, वहां फौज में भी ऐसा ही कर देते हो क्या? सूबेदार बदले में कुछ और गहरा मजाक करने की सोच ही रहे हैं कि सूबेदारनी की आंखें एकाएक आर्द्रा नक्षत्र में हो जाती हैं। मेरे लिए रमुआ में और तुम में क्या अंतर हुआ? इसलिए कहने और मानने को मन करता है कि देवी मैया तू नहीं तो कौन है? तू 3 साल बलि के बकरे की तरह का टंगा देना होता है, वहां और है कौन? वहां जिससे बातें करते खुद के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर आसीन होने और साथ में किसी के अपने में से ही झरने की तरह फूट या नीचे नदी की तरह बह रहे होने की प्रतीति हो, जहां सिर के ऊपर जाने ससुर कितने कप्तान कर्नल जनरल लड़े रहते हैं, वहां सूबेदार की औकात क्या होती है? लेकिन यहाँ और स्मृति की मानो तो वहां भी एक तेरा स्पर्श होता है कि शरीर में वनस्पतियां सी फूट पड़ती हैं। हाट की कालिका मैया के दफ्तर में जाने का दिन सिर पर आ रहा है और तत्पश्चात ही सामने होगी विदा होने की घड़ी। सुबेदानी के साथ बीते एक एक दिन के पुष्प अंधेरे में बिखेर देने को मन करता है और टॉर्च हाथ में लेकर ढूंढने को। आज भी सुबेदानी अभी अभी रोज की तरह विहान तारे को गोद में लेकर दूध पिलाने को उतावली, छाती पर पांव रखती सी निकल गई है, लेकिन झांवरों की आवाज अभी भी मधुमक्खियों का सा झना छत्ता डाले हुए है। झांझरों की आवाज अभी भी मधुमक्खियों का सा छत्ता डाले हुए है। चाह तैयार है बाबू, कहता भीमुआ देहली पर खड़ा दिखाई दिया। तब हुआ कि सुबह हो गई होगी। आज का दिन बीच में है, कल ही हाट की यात्रा पर जाना है। सूबेदारनी कल कह रही थी कि हाँ हो रमुआ के बाबू, तुम कह रहे थे कि इस पर बांझ की पल्लियों कैसी हो रही है? जंगल गांव के उत्तरी छोर में है, एक सिलसिला सा है जो 7-8 गांव के सिरहाने के सघन हरितिमा की तरह आर से पार तक चला गया है। नीचे नीचे तक कई बार हो आए हैं सूबेदार, लेकिन चूंकि शिकार खेलने को मना कर देती है सूबेदारनी कि हाँ हो यह अपनी भड़ाम भड़ाम यहाँ अपनी मिलिट्री में ही किया करो, हमको नहीं लग रही अच्छी हत्या। इसलिए सूबेदार भी बस राइफल को कंधे पर सैर भर करवा के लौट आते रहे हैं। लेकिन दो दो तन तनाते बकरे हाट की कालिका के मंदिर में काटे जाने हैं, एक भीमुआ की बधाई का भाखा हुआ है, दूसरा रमुआ की। देवी मैया नहीं कहती होंगी कि हमें नहीं अच्छी लगती हत्या। खैर वो क्या है कि बाबू देवी जागरण में कैसे बताते हैं कि एक हाथ में खड़ग लिए दूसरे हाथ में गदा, एक हाथ में 16 हाथों में मैया कालिका ने आयु धारण किए और 2 हाथों में खप्पर। इससे ज्यादा मस्तिष्क दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि वह तो जब तक 2 हाथों वाली है तब तक हमारी पहुंच में है। आगे का रूप ऋषि मुनियों के ज्ञान की वस्तु हुई। चाय पीने को बाहर आंगन में निकल आए सूबेदार तो अब तक का सारा मायालोक जैसे कमरे में ही छूट गया। भीतर चित्त का विस्तार था, बाहर प्रकृति उपस्थित है। गांव में बाकलियां यानी घरों की श्रृंखला से नीचे घाटी में नदी के किनारे तक खेतों का सिलसिला चला गया है। लगता है सुबह सुबह विशेष तौर पर सर्दियों की ऋतु में नदी में स्नान करके कोई सीढ़ियों पर पांव रखती सी वो ऊपर जंगल में निकल गई। 2-4 दिन घट की ओर यानी पंचक्की की ओर निकल गए थे। सुबेदानी कपड़े धोती रही थी और वो भी देखते रहे। तालाब में मछलियों का खेल, जीवन का खेल, जल थल सब जगह एक हैं। आजकल गेहूं खेतों में अन्न प्राशन के बाद के बच्चों जितना सयाना हुआ आया है, घुटनों के बल खड़ा होने की कोशिश करता हुआ सा, लेकिन अभी कोहरे में धोती से पल्ले के नीचे दुबका पड़ा अंतर्धान है। कहीं 8-9 बजे तक कुहासा ठीक से छट पाएगा, अभी तो भूमिया देवता के कमर के नीचे के परिधान की तरह व्याप्त है। गांव भी कितना छोटा है, यह पहाड़ का बच्चा मालूम देता है।
10 बजे तक मैं सबको 10 बजे तक में ही सबको खिला पिला कर सूबेदारनी ने सीढ़ी के पत्थर पर दराती को धार लगाना शुरू कर दिया। तो सूबेदार भी वर्दी में हो लिए, खूंटी पर से उतार कर राइफल कंधे पर रखी, हवाई बैग में टेप रिकॉर्डर, कैमरा और सिगरेट का डिब्बा रखा और चल पड़े। आंगन से लेकर जंगल की तरफ वाली पगडंडी में परिचितों बिरादरों से राम राम पाए लागू जीते रहो निपटाते हुए पूर्ण एकांत में होते ही सिगरेट का एक जोरों का कश लिया। फिर थोड़ा रुककर पीछे पीछे आती सूबेदारनी को बराबरी पर रोकते हुए कंधे पर हाथ रख दिया। आज आपको बहुत जी जान से गाकर सुना देती है न्योली माय डियर, घर में और खेतों में वॉइस दबवा दी थी आपने। अब तो चला चली का वक्त है, कल पूजा हो जानी है, बस 2 4 दिन और बासा मानिए, फिर वही आफ्टर मिनिमम 2 और 3 ईयर्स वाली बात गई। आप उस न्योली को जरूर गाना आज अपने फुल वॉल्यूम में। काटते काटते फिर पलियोता जाता है बांज का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ मिरेकल्स। सुविधा ने कुछ नहीं बोली, प्रकृति बनी रही। लगभग 1 मील के बाद अरण्य का संपूर्ण वृत्त वनस्पतियों से भरी झील हो गया। दूर दूर गाय बकरियां चरती दिखाई दे रही थी और कुछ औरतें। बांझ फालिया के पल्लव बटोरती सूबेदारनी को इतना संकोच तो था कि पहले साथ साथ जाने वाली औरतें जहां और जब आमना सामना होगा मजाक जरूर उड़ाएंगी, लेकिन इनका संग तो सदैव का है, सूबेदार का कहां। ये तो फूल की तरह खिले और वो भी 2 3 बरसों में एक बार। एक आध महीना अपने संग संग हमें भी खिलाए रहे और फिर अचानक एक दिन आंख ओझल। अब जंगल का तो रेशा रेशा जाना हुआ है, एकांत ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। सूबेदार बच्चे हो गए कि पालियों कटे ना कटे, न्योली पहले निपटानी है। चौरस जगह टो कर सूबेदार ने अपने नए रंगीन घाघरे को ठीक से फैलाती बैठ गई। हरी क्रेप के घाघरे में लाल रंग की गोट है, कमर में धोती का पीताम्बरी फेंटा है, पीठा अक्षत माथे पर ऐसे है जैसे गर्भ से ही साथ हो। नाक में चंदकों वाली 3 तोले की बाएं कान के पास तक का स्थान घेरती नथ है, कान में सोने की मुद्रिका है, गले में मोतीमाला, काला चरेवा और गुलबंद है, हाथ में पहुंचिया और पांव में झांवर, पूरे आभूषण धारण किए हैं आज नैना सूबेदार के आग्रह पर। एक हाथ में दराती है, दूसरे हाथ में अभी तक बाज फलियाट के पल्लव रखने का जाल था, अब उसमें रंग बिरंगे फूलों वाला घमेला है। क्या रूप है, क्या रंग है। सूबेदार एकाएक उठे, अपनी जगह से सूबेदारनी साहिबा के सिर पर हाथ फेरते हुए ओके कहा और जंगली मृग होते कुलाचे मारते से कुछ फासले पर हो गए। कभी कहें माय डियर जरा सा दाएं, कभी कहें बाएं, कभी मुस्कुराओ, कभी खिलखिलाओ और कभी न्योली गाने की, फिर कभी जंगल में किसी खोए हुए को ढूंढने किसी मुद्रा में हो जाओ। सूबेदारनी साहिबा को भी जाने क्या हुआ कि जैसा कहा तैसी होती गई। बीच में सिर्फ इतना ही बोली, देखो जैसे तुम्हारा मन चाहता है तैसा कर लो, मगर इस वक्त फोटो मिलिट्री में चाहे अपने दोस्तों दोस्तानियों को दिखाते फिर ना, यहाँ रमुआ के बूबू यानी दादा और दूसरे लोगों की नजर में नहीं पड़ने चाहिए, बहुत मजाक उड़ाएंगे लोग, कहेंगे घर में जगह नहीं मिली। सूबेदारनी साहिबा का खिलखिलाना हिलांस पक्षी के चंद्राकार झुंड सा उड़ता हुआ जाने हिमालय के शिखरों तक कहाँ कहाँ चला गया। सारा अरण्य डूब गया। नैना सूबेदार के मुंह से इतना ही निकला, हमको तो आप ही देवी हैं। सूबेदारनी में सारा संकोच पतझर के समय का पत्तों सा झड़ता और ऋतु वसंत के पल्लवों सा उगता चला गया। कहाँ फोटो में गाता दिखाई पड़ने भर को न्योली शुरू की थी, कहाँ एक लड़ी सी बंधती चली गई। काटते काटते सिर पल्लवित हो जाता है बांझ का वन, समुद्र भर जाता है मेरे प्राण, नहीं भरता मन। आश्विन मास की नदी में चमकती है असेला मछली, अब जाते हो कौन जानता है फिर कब होगी भेंट। वो देखो उधर हिमालय की द्रोणियों में कैसी चादर सी बिछ गई है बर्फ। पक्षी होती मैं मेरे प्राण, उड़ती बस उड़ती ही चली जाती तुम्हारी दिशा में। टेप की गई न्योलियों को खुद सूबेदारनी ने सुना तो पहले मुग्ध हुई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। कल रात से अब तक में एकत्र सारा सुख जैसे अपने सारे
आचरण पृथक करता हुआ एक साथ प्रकट हो गया था। लौटते लौटते शरद ऋतु का दिन और छोटा पड़ता गया। सुविधानी के पांव भारी हो गए हैं। एक गट्ठर सिर पर लदा है, बांझ और फल्याट के पल्लवों का एक भीतर इकट्ठा है। पाले उतारने और जाल भर लेने के बाद के विश्राम में सिर सुविधानी साहिबा के गोद में था और जून ढूंढने की प्रक्रिया में उनके अंगूठों के नाखून आपस में जुड़ते थे तो लगता था आवाज मिलो तो मीलों दूर तक जा रही होगी। तब याद आया था अचानक, फिर वही खीमा के साथ की ट्रक यात्रा में एकाएक उपस्थित होकर सफर समाप्त होने तक लगातार विद्यमान रहा मृत्यु भय। सुख अकेले कहाँ आता है। रात के सन्नाटे में नीचे घाटी की दिशा से सियारों का संवेद आता है और याद आता है सुबेदारनी का आंचल होठों में दबाकर यह बताना कि इसी वर्ष जुलाई में गांव के तीन घरों में तार आया है। सुना उधर अमृतसर में कोई लड़ाई हो गई, एक साया फौजियों के घर मंडराता फिर रहा है महीने भर। किसी भी दिन हो सकता है अघटित का घटित होना। फौजी गुजरता है तो सिर्फ तार ही देखने को मिलता है, रूप आकार उसी में सब कुछ देख लो। अच्छा ही है कि जीवन का अंत जब भी हो सुबेदारनी साहिबा से कहीं बहुत दूर हो। हाट की कालिका के मंदिर में देवदार के जुड़वा पेड़ हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने। जाना कल है, पेड़ आज ही क्यों याद आ पड़े। दोनों को देखो तो एक में से ही दो किए हुए दिखते हैं, लगभग बराबर ऊंचे, बादलों को छूने की बढ़त हुए से बराबर सघन। धूप छतरी पर ही अटक जाती है, नीचे कितनी गहरी छाया। इनमें से एक को काट दीजिए तो दूसरा सिर धुंधला दिखाई पड़ता है। माता तू ही रक्षा करना। सुबेदानी देवी का चोला सिल चुकी हैं। चढ़ावे की अन्य सामग्रियों के साथ दोनों घंटे भी एक कोने में रख दिए गए हैं। भीमू और रामू लाख मना करते भी कभी कभी बजा देते हैं। सो घंटे के वृत्त में खुले अक्षर उनका नाम पुकारते से मालूम देते हैं। श्री भीम सिंह आत्मज ठाकुर श्री नैन सिंह आत्मज ठाकुर श्री नैन सिंह आत्मज श्रीमान। हर बार इन छुट्टियों भर का उत्सव है दोनों छोरों पर। इस बार मैया की कालिका के दरबार में बधाइयां जानी है तो यही रंग सबसे ऊपर है। बच्चे अपने दादा की नकल में देवी जागरण लगाते हैं। भीमवा ने क्या कहा था कि अगर कोई बहन होती तो उसमें देवी का अवतार कराते। सुबेदारनी साहिबा की प्रतिछवि और उतर भी किसमें पाएगी। आधी सृष्टि उसी पक्ष में है, आधी उससे बाहर। घर तो घर है, ऊपर दो मंजिले पर व्यतीत होते जीवन में नीचे गोट के पशुओं तक का साझा जान पड़ता है। कुछ ही दिनों को आए हैं तो भी भैंस दोहने नहलाने ऊपर धारमे के पेड़ों पर स्तूप की तरह चीनी गई घास की पुलियों को उतरवाने तथा लकड़ी फाड़ने नाना प्रकार के छोटे छोटे घरेलू काम है। यहाँ आकर समझ में आता है कि एक सुबेदारनी के सर पर कितने काम। भाई कोई संग आया ही नहीं। बहने थी, एक आसाम गई है अपने परिवार के साथ, दूसरी 4 दिनों को आई वनखरी बासी दीदी हवा के साथ साथ लौट गई। सबके अपने अपने कारोबार हैं। कहो कि बुढ़े जी अभी भी छोटे मोटे कई काम निपटा लेते हैं। इस बार यही तो समझ रहे थे कि आधी पेंशन पर ही चले आओ। इस बार यही तो समझा रहे थे कि आधी पेंशन पर ही चले आओ। सुबेदानी भी यही चाहती हैं, मगर अभी और 4-5 साल खींच लेना ही ठीक है। फौज के रहे को फिर यहाँ कौन सी नौकरी दुकानदारी करनी। पूरी पेंशन लेकर घर बैठना है, यही खेती बाड़ी संभालनी है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। सोचते जाओ तो जीवन के तर्क पीठ पर सवार होते जाते हैं। सुबेदानी से कुछ छिपा नहीं रहता। कभी अड़ोस पड़ोस घूमने में लगा देती हैं, कभी नमकीन और प्याज सामने लगा देती हैं, खाने पीने की चीजों में कुछ छूट जाए, 2-4 दिन घरेलू व्यंजनों की हौस, कभी भट्ट मदिरा का जोजा और लहसुन हरी धनिया की का नमक है, कभी चौमास से रखी करड़ी ककड़ी का रायता, गड़ेरी का भंग पड़ा रसदार साग और पूरियां, कभी मुट्ठी भर लहसुन पड़ी और घी में जम्बू से छोंकी मसूर की दाल है, हरी पालक लाही का टपकिया और ताजे ताजे उखल कुटे घर के चावलों का भात, कभी घर में ही बकरा कट गया, सान सून भुटवे से लेकर सिरी मणुओं का शोरबा, घर में न हुआ कभी कभी पास पड़ोस से आ गया शिकार,
कभी शहर से खाने पीने, फसल फराल, हर चीज की बहार, यही सब धूप छांव ठहरी आदमी के जीवन में। बाकी क्या रखा ठहरा, कैलाश का देवता भी आदमी के आंगन में उतरा तो उसे भी आखिर नाच कूद के चल ही देना हुआ। बाबू बड़े गिदार हुए, कितनी कहावतें हुई उनके पास, कभी तरंग में हुए तो नातियों के साथ साथ बहू को भी बैठा लिया, बाप बेटे दोनों के सामने रम के पैग हुए। बाबू कभी और मेरे रंगीले झुमा झुमी नाच की मस्ती में, तो कभी सदा न फूले तो रही सदा न सोचन हो साचन होए वो बैराग में। बात के दिन तो भारी होते गए, हाट के देवी मंदिर से लाए गए लाल वस्त्र आंगन किनारे के खुबानी के पेड़ की टहनी में बंधा हुआ है, लेकिन नैना सूबेदार देखते हैं तो रेलगाड़ी के गार्ड के हाथ में थमी हरी झंडी मालूम देती है, हवा में हिलता है तो चलो चल पड़ो कहता सुनाई पड़ता है। और इस वक्त हाल यह है कि सारा सामान बंधा पड़ा है, लेकिन कुली अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। कल शहर स्कूल जाने वाले बच्चों से कहला भेजा था, किसी भट्ट को भिजवा दे हिमालय होटल का बची सिंह, मगर कहीं कोई चिन्ह ही नहीं। गांव का हाल यह है कि कुली का नाम PWD या जंगलार के ठेकों पर काम करने वाले अनेक हैं, लेकिन बिरादरों का बोझ उठाना गुनाह है। माया मोह में रह भी गए अंतिम गुंजाइश तक, अब अगर कल सुबह तक टनकपुर ही नहीं पहुंच पाए तो अंबाला छावनी कहाँ समय पर पहुंचना हो पाएगा। कई बार जी में आता है कि खुद ही ला दें और ले चलें, वापसी का सामान है बहुत भारी नहीं, मगर जो देखेगा सो ही हंसेगा, सारी सूबेदार साहिबी मट्टी में मिल जाएगी। सूबेदार बार बार सिगरेट सुलगा रहे थे और बार बार घड़ी पर आंखें जाती थी, बाबू बूढ़े और कमजोर हैं, बच्चे कच्चे, डेढ़ दो घंटे से कम का रास्ता नहीं बस अड्डे तक का, और दोपहर बाद तो बस आखिरी बस क्या ट्रक मिलना भी कठिन हो जाएगा। नैना सूबेदार अभी हताशा और बेचैनी में ही डूबे थे कि देखा सूबेदानी बाबू से कुछ कहती नजदीक पहुंची है, और जब तक मैं वे कुछ ठीक समझे सूटकेस उठाकर सर पर रख लिया और कह रही है, और क्या कहती है, बिस्तर बंद इसके ऊपर रख दो। सूबेदारनी के कहने में कुछ ऐसी दृढ़ता थी कि और परिस्थिति का दबाव कि सूबेदार के पांव से सिर तक एक झुरझुरी सी तो जरूर हुई, मगर इस तर्क का कोई जवाब सूझा ही नहीं कि मुंह ताकते तो दिन निकल जाएगा, थोड़ी दूर तक तो चल सकते हैं, रास्ते में कुली जहां भी मिल जाएगा। नई बात इसमें कुछ नहीं, छुट्टी पर आते में कुली साथ आता है, वापसी में घर के लोग पहुंचा देते हैं। सिपाही लांस नायक तक तो अपना सामान खुद उठाते नहीं, हवलदार सूबेदार की तो नाक ही कटी समझिए। गांव की सरहद के समाप्त होते होते चित्त काफी कुछ व्यथित हो गया, बाबू और बच्चों की आकृतियां धुंधली पड़ती गईं, गाय भैंस बकरियां तक की स्मृति कुछ देर तक ही साथ चली आती है, सरहद तक तो खेत तक साथ चलते मालूम होते हैं, दरवाजे के ऊपर चिपकाया गया दशहरे का छापा भी, दशहरे के हरेले दिन सावन के रक्षाबंधन के सहेज रखी राखी रक्षा बांधते और हरेला सिर पर रखते हुए क्या कहा था, ठीक माँ की तरह जीते रहना जागते रहना, यूं ही बार बार भेंटते रहना, सियार की जैसी बुद्धि हो सिंह का जैसा बल, जातकों का सा हठो योगियों का सा ज्ञान। रक्षा का मंत्र तो खुद सूबेदार को भी याद ठहरा, येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल, ये तागे ऐसे ही हुए, दानवेंद्रों से भी नहीं तोड़े जा सकते, हम नर वानर किस गिनती में। माँ जब तक हुई ठीक यहीं इसी इस गधेरे तक आती रही छोड़ने, यहीं रोककर स्फटिक स्वच्छ गंगा जल अंजुली में भर लेती थी और सूबेदार के माथे पर छिड़कती, बाहों में बांध लेती थी, तागों का एक पूरा जाल हुआ, घर पहुंची तो अदृश्य हो जाने वाला ठहरा, वापस लौटते में लोहे के तारों का गड़ना, यह सब जीवन का सामान्य प्रवाह हुआ, किसने पार पाया कौन पा सकेगा। मुखसार की ऋतु में बैल खुले हैं, जुलाई के वक्त कहाँ। एक के बाद एक दूसरा सिगरेट जलाते हुए यही गाने का मन हो रहा था, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। टेप रिकॉर्डर कैमरा हवाई बैग में रखे हैं, इसके अलावा टिफिन भी सूबेदार के हाथ में है, रूल कभी कभी उन्हीं से टकरा कर बज उठता है,
सूटकेस और सफारी होल्डाल सुबेदानी साहिबा के सिर पर हैं। यूं तो अनेक का यही सिलसिला है। हवलदार साहब ट्रांजिस्टर लटकाए, रूल हिलाते, घड़ी बार बार देखते और सिगरेट पीते आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे घरवाली सामान सिर पर लादे हुए। मगर नैना सुबेदार के साथ यह पहला अवसर है। कभी भी अपने से दो उंगल कम करके तो देखा ही नहीं। एकाएक बोले, सुबेदानी आप जरा रुकिए, ये बैग और टिफिन आप पकड़ लीजिए। अब थोड़ी दूर तक अटैची होल्डर मैं संभाल लेता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ। सुबेदानी पीछे को मुड़ी, हौले से मुस्कुराई, तेजी से आगे बढ़ गई, जैसे गंध प्रकट करती हुई जाती हो अपनी। बोलती गई, मेरा तो यह रोज का अभ्यास हुआ। रमुआ के बाबू बेकार के संकोच में पड़ रहे हो। खेतों में परसा नहीं ढोती कि घास अनाज के गट्ठर नहीं। उस दिन भी तुम्हारे पीछे पीछे पालियों का जाल लिए चल रही थी। वो घर का रोजदारी का काम हुआ, मगर ये तो एक प्रकार की कुली गिरी हुई। सुबेदार को इस वाक्य को सुबेदार ने अपने भीतर ही अंतर्ध्यान कर लिया। आज बात करने में तुम माय डियर नहीं कर रहे हो। इतना उदास पड़ जाना भी क्या ठहरा, सुबेदानी ने कहा। अब सुबेदार कैसे बताएं कि अग्निपथ बीत गया, राख रह गई। यहां से यहां तक बुझा बुझा पंसा व्याप्त हुआ सा पड़ा है। इज्जत तो भीतर की भावना हुई, हम निगोड़ी तुम ही तुमड़ाती रही जिंदगी भर। तुमसे आप से नीचे उतरा नहीं गया। दुर्गा सासू कह रही थी, घर वाले को प्रतिष्ठा देना कोई इसके सुबेदार से सीखे। तुम जब वहां रात दिन हम लोगों की चिंता में घुलते रहने वाले हुए, तब कुछ नहीं। एक दिन को तुम्हारा बोझ हमारे सिर पर आ गया तो क्या पर्वत आ गया ठहरा। सिर के ताज तो आखिर तुम ही हुए, सुबेदानी कह रही है ये सारी बातें। सुबेदार को लगा कि सुबेदानी का बोलना फिर कानों तक आता चला गया, और सुबेदार को लगा जैसे कलम से सिर पर लिखे दे रही है अगली छुट्टियों में क्या क्या लेते आना है। फिर स्मृति में स्पर्श उभरते ही गए कि गांव पहुंचने के दिन एक एक वस्तु को कैसे हजार आंखों से देखती सी मुग्ध होती जाती थी सुबेदानी। सिंथाल की बट्टी को जब इन्होंने सूंघा, सिंथाल की साबुन की टिकिया, सिंथाल की बट्टी को इन्होंने जब सूंघा, तब उससे सुगंध फूटनी शुरू हुई थी। लोभ नहीं है, लाए हुए को सार्थक कर देना है। इस वक्त यह मत भूलना, वह जरूर लेते आना कि सारी रट सिर्फ सूबेदार की उत्साह और गरिमा बढ़ा देने के लिए है। गांव से शहर तक की इस सड़क पर यह कोई पहली बार का चलना तो है नहीं। इन्हीं छुट्टियों में 2 बार जा चुके हैं। एक बार शहर घुमा, कुछ खरीदारी की, मैटनी शो देखा, हिमालय होटल में ही ठहर गए। हाँ, प्रसंग बदल गया है तो सड़क भी पांव थामे ले रही है। पिथौरागढ़ झूलाधार वाली मुख्य सड़क अब थोड़े ही फासले पर है। इस गांव वाली सड़क के दोनों ओर पत्थरों की चिनाई हुई है, समतल नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। बूट की आवाज कानों को स्पर्श करती मालूम पड़ती है। नजर नीचे चली जाए तो खेतों में घास बीनती औरतें या इनारे किनारे की भूमि पर चढ़ते पुरुष व सॉरी पशु दिखाई पड़ जाते हैं। ऊपर आसमान की तरफ देखो, यही सब पक्षी बनकर उड़ते से जान पड़ते हैं। जहां तक यह गांव वाली कच्ची सड़क जाती है, सब एक है। पक्की डामर वाली सड़क आते ही पृथक हो गए होने का आभास होता है। दूर खड़ा भराड़ी का जंगल, याद रखना भूलना मत, पुकारता सा आगे को आ रहा है, और प्रकृति सूबेदारनी की ही भांति घाघरा फैलाए बैठी मालूम होती है। मुसनियोले ज्यादा लंबे नहीं उड़ते, सिर्फ एक से दूसरी झाड़ी तक फुदकते हैं और चींची मचाए रहते हैं। याद आता है कि इस बार कन्या की कामना इतनी क्यों रही होगी, तो वहां अंबाला छावनी में साथ के एक फौजी अधिकारी के यहाँ आंखों में छा गई छोटी सी बच्ची की आकृति स्मृति में उभर आती है। याद आता है उसका अंकल अंकल कहना और कंधे पर चढ़ने की जिद करना, और यह कि बाबू की वृद्धावस्था और घर के वीरान पड़ जाने के डर में परिवार को साथ रखने का अवसर नहीं। कल यूं ही पूछ लिया कि सुबेदानी साथ चलोगी, जवाब आया किस बार साथ नहीं चली है। जब छाया ना रहे तब समझो कि साथ नहीं है, और इस वक्त चल रही है तो छाया से ज्यादा कहाँ है। प्रकृति की ही भांति सुबेदानी भी तो ज्यों ज्यों ओझल त्यों त्यों और प्रत्यक्ष होती जाती है। हर बार यही होता आया है। बस में बैठते ही स्मृतियां पक्षियों के झुंड की तरह उदित होती जाती हैं भीतर। कौन दिन कौन क्षण कैसे बीता सुबेदारनी के साथ,
जंगल में हवा की तरह बजने लगता है भीतर। यहां से कैंप पहुंचने तक नदी की यात्रा है। अचानक रुके और 2 मिनट ठहरना कहते कहते सूबेदार ने सिर पर का सामान दीवार पर रखवा देने का इंगित किया। सूबेदार को लगा चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थक गई हैं। सामान ठीक से रखाते कुछ कहने को हुए कि संकोच और शरारत में मुस्कुराते सूबेदार ने नीचे से तेजी से नीचे खेतों की दिशा में उतर गई। जब तक मैं वे लौटी, नैना सूबेदार को अचानक ही भराड़ी के जंगल में की वह जलधारा स्मरण हो आई, जिससे उद्गम में देखते उन्होंने सूबेदारनी से मजाक किया था। यह नहीं शर्माती, सूबेदारनी क्या बोली, धरती तो माता हुई, उसे सभी समान हुए। शादी के बाद का एक बरसों लंबा सिलसिला है जो सूबेदारनी को सयानी करता चला। आने के साल से अब तक में क्या से क्या है, भराड़ी के जंगल में से प्रकट होती हुई पतली सी जलधारा, दूर तक क्या जाइए, नीचे घाटी तक में पंचक्की के पाट घुमाती नदी हो गई है। जाने कितने स्रोतों से जल इकट्ठा होता आया है। रोकते रोकते भी फिर सामान उठा लिया चल पड़ने से पहले। बोली, आप जाने लगते हो तो जाने क्या होता है, भीतर भीतर ठंड सी मालूम पड़ती है। इस बार तो दूर तक का साथ हुआ, पिछली बार आंगन में ही खड़ी थी, आप आंखों से ओझल हुए कि तब भी। जब तक मैं नैना सूबेदार कुछ बोलने की कोशिश करें वो चल पड़ी। 2 कदम पीछे चलते साफ साफ दिखती हैं, सिर पर के बोझ और असमतल रास्ते के कारण कमर दाएं बाएं लचकती है तो सुनहला सा गोरा रंग नजर थाम लेता है। पिंडलियों पर से घाघरे का पाट टूटता है तो मछली के पानी में करवट मारते होने की से झिलमिल। जाते समय सूबेदारनी हर बार ऐसी हो आती है कि नदी का छूटना है। सफर करते में घंटों बाद कोई नदी आती है रास्ते में तो कैसे उसकी आब ऊपर तक आती हुई मालूम पड़ती है। यह आर्द्रा कभी नहीं छूटती, बाहर ओझल होते ही भीतर बहने लगती है। बिल्कुल चुपके आस्तीन से आंखें पोंछी तो भी कुछ आवाज सी भीतर आती सुनाई दी। नैना सूबेदार ने जर्सी की जेब में से निकालकर चश्मा लगा लिया। सूबेदारनी चली जा रही थी, उनका तेज चलना हाथ में बंधी घड़ी पर वजन डालता मालूम पड़ रहा था। दोनों हाथ ऊपर को उठाए चल रही है तो औरत होना अपनी भाषा बोलता सा सुनाई पड़ता है। नदी में नहाकर किनारे जाइए, कपड़े बदलिए, वापस लौटिए। थोड़ा स्मृति पर जोर देने की कोशिश करिए कि नदी को बहते होने की आवाज खास तौर पर पहाड़ में कितनी दूर दूर तक साथ आती है। मुख्य सड़क तक पहुंचने से पहले ही कुछ कुली कंधे तक रस्से डाले शहर की तरफ जाते दिख गए तो सूबेदार ने जोरों से पुकार लिया। वो ठिठके तो आने का संकेत किया। तब तक मैं सूबेदारनी ने सिर पर से सामान उतार दीवार पर रख दिया। एक एक रुपए के नोटों की एक नई गड्डी जर्सी से निकालकर सूबेदारनी के हाथों में थमाई। नैना सूबेदार ने कहा कुछ नहीं, हाथों को कुछ क्षण यूं ही थामे रहे। सूबेदारनी हंस पड़ी, इतनी ज्यादा रकम दे रहे हो मजदूरी में, अगली बार भी हम ही लाएंगे साहब का सामान। सूबेदारनी हंस रही थी, हाथों को अलग करना कठिन हो गया था, बेल लिपटी जान पड़ती है। एकाएक भराड़ी के जंगल में न्योली गाते समय का परिदृश्य छा गया। भीतर कोई फूट सा पड़ा। छोड़ो यार सूबेदार, सारा बोरा बिस्तर भूल जाओ यहीं सड़क पर। यूं ही हाथ फंसाए सूबेदारनी को ले उड़ो, खेत घाटी जंगल नदी सबको उलंघते चले जाओ। जब थक जाओ सूबेदारनी की गोद में सिर रखे आंचल ऊपर उठा दो और पड़े रहो। इस हिम शिखर के पार का झरना साफ दिखाई देता है, झांको तो खुद के प्रतिबिंब झलकते हैं। कुली ने सामान लाद दिया तो सूबेदारनी ने पांव को स्पर्श किया और सिर तक समा गई उनकी उंगलियों की छुअन। बूटों तक के भीतर ही नहीं पूरे स्मृति जगत में व्याप्त हो गई। कुछ समझ नहीं पाए कि पांव पर झुकी सूबेदारनी को जीती रहो जगती रहो कैसे कहें। सूबेदारनी अविदा लेने को खड़ी हुई तो पीठा अक्षत जैसे एकाएक प्रकट हुए हों माथे पर। जाने कितनी गहरी रेखाएं उभर आई आंखों के नीचे की, आंखों के बीच की जगह अंतर्धान हो गई। दोनों ऊपर तक डबडबा उठी थी अब। नैना सूबेदार को लगा पक्षी योनि से पहले इस झील का पार कठिन है। सूबेदार को हुआ पंख होते तो एक ही उड़ान में ओझिल हो जाते। ऊपर पक्की सड़क तक पहुंचते में सूबेदार मुड़े नहीं,
गांव की कच्ची सड़क का मुहाना मुख्य सड़क में समा गया। तब पलट कर देखा, सूबेदारनी इसी ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। ओझल होते तो उन्हें ही देखना है। तो यह थी कहानी अर्धांगिनी। इसके लेखक थे शैलेश मटियानी जी और इसका वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही थी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। पहाड़ों के जीवन की एक झलक, उसका मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मन को छू भी गया होगा। ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हमारी साहित्य की शान है, उनको आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।